मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्षीय है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं। तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूँ कैसे हो सकता है। ये तो गद्दार लोग है। आज तो कोर्ट ने कहा और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकारी नहीं है नैतिकता। तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडी मध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ। तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल। पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घरानी ज्या पक्षांनी ज्यांना सगळं काही दिलं सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा हे मला काही पटलेलं नाही। म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार त्यांनी घात विश्वासघात त्यांनी केला। विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे।